आप सबको पता ही है, अब गर्मियाँ शुरू हो गई। गर्मियों में जो बालों की हालत होती है वो कितनी ख़राब हो जाती है। धूप की वजह से हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, पसीना आने लगता है बालों में, जिसकी वजह से हेयर बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहते हैं। हेयर जब चिपचिपे रहते हैं तो इचिंग की प्रॉब्लम होती है और दो मुंह बाल होने लगते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारी रेमेडी यूज कर लो फिर भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है, हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाती है, बाल रीग्रो नहीं करते। तो आज ना मैं आपके साथ एक ऐसा टोनर शेयर करने वाली हूँ जिससे बालों की ग्रोथ तो दोगुना तेजी से होगी, साथ आपके बाल रीग्रो भी करेंगे, आपके बाल जड़ से मजबूत, लंबे, घने, मोटे होंगे, हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आपको ना वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बर्तन, इसमें लेने आपको दो गुड़हल के फूल। अगर आपके पास गुड़हल के फूल नहीं है तो आप गुड़हल की पत्तियां भी ले सकते हैं, 4 से 5, ठीक है ना। इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। और जो गुड़हल के फूल होते हैं, जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं, वो बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की साइनी स्मूथ करती हैं, बालों को रीग्रो करती हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, हेयर की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करती हैं। फिर आपको इसमें सेकेंड चीज़ ऐड करनी है, वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती बालों को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करती है, बालों की जो ग्रोथ रुक जाती है उसे काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करती है और बालों को नेचुरल कलर देती है। अभी ना हमें इस पानी को बॉयल कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन का जो बटन इसे प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी जो पानी है ना बॉयल हो जाएगा, बॉयल होते होते ये आधा गिलास के करीब रह जाएगा। गैस को ऑफ कर देना, पानी को ठंडा होने देना। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आपको करना क्या है, इस पानी को ना आपको छान लेना है, ठीक है। छानने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 बूंद रोजमेरी एसेंशन हेयर ऑयल की, ठीक है ना। अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशन हेयर ऑयल नहीं है तो आप इसे बिल्कुल भी मत खरीदना। अगर नहीं है तो आप पैसे बर्बाद ना करें, मैं यहाँ पे आपको बता दें, अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशन हेयर ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, जो भी ऑयल आप यूज करते हो आप वो ऑयल ले लीजिए, ठीक है। 4 से 5 बूंद आप उस ऑयल की ले लीजिए, कैस्टर ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जो भी ऑयल आप यूज करते। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप एक विटामिन ए का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे आपको स्प्रे बोतल में भर के अपनी स्कैल्प में और लेंथ में लगाकर छोड़ देना है 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे बाद आपको अपने हेयर वॉश करने, जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उससे। हफ्ते में एक बार आप इस रेमेडी का यूज कीजिए, इससे बाल काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होंगे। जो बालों की ग्रोथ रुक जाती है ना, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि दी बालों की ग्रोथ रुक गई, बालों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा टोनर, आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, रीग्रो करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हेयर को जड़ से मजबूत, लंबा, घना, मोटा बनाएगा। इस रेमेडी को हर उम्र का व्यक्ति यूज कर सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। गर्ल्स बॉयज सब यूज कर सकते हैं, हर उम्र का व्यक्ति यूज कर सकता है। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। बाय बाय, थैंक यू।